गुलजार साहब ने बहुत सालों पहले कहा था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फुर्सत क्या मतलब है इसका? कि मुझे फुर्सत मतलब टाइम ही नहीं हो पा रहा तुम्हारे अलावा किसी और के साथ, इस टाइप का है कुछ। ओके, और आप फुर्सत में क्या करते हो? इनको प्यार और इनके बारे में अच्छा अच्छा सोचने के अलावा मैं फुर्सत में दिन भर तो गाता ही रहता हूँ। मैं गिटार ले लिया कभी कुछ कभी कुछ, हाँ म्यूज़िक ही करते हैं दिन भर लगभग। ओके, आप क्या करते हो जब आपकी फुर्सत के क्षण चल रही हो? एक्चुअली फुर्सत मिलती ही नहीं है, और जो फुर्सत रहती है तो मुझे लगता है मैं उसमें भी कुछ ऐसा कर लेती हूँ जो उसमें भी फुर्सत नहीं रहती है। लाइक अगर मैं बहुत फ्री हूँ तो आई लाइक टू कुक, तो मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ ना कुकिंग करने में कि फिर मुझे और काम के लिए कोई फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे वैसे गाना भी पसंद है तो मैं गाती भी रहती हूँ, तो दिस इज़ लाइक आई थिंक फुर्सत अपने आप में इतनी स्पेशल मोमेंट है, ऐसा एक इमोशन है जो मिलता ही नहीं किसी को, वही तो उसकी खासियत है कि फुर्सत। इसलिए हमारा गाना भी है, मुझे फुर्सत ही नहीं तुझसे। राज जी, आप नए कलाकारों को आगे बढ़ाने के अलावा, अच्छे अच्छे गाने लोगों के सामने लाने के अलावा, जब आपको फुर्सत होती है तब क्या करते हैं? जब मैं पवनदीप के गाने सुनता हूँ मुझे फुर्सत मिलती है, और मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि कैसा करेंगे नेक्स्ट गाना, क्योंकि पवनदीप के साथ ही मैंने सोचा है गाने करने के साथ साथ, तो मैं ये फुर्सत में ये सोचता हूँ कि अगला गाना क्या होगा। अभी ये तो हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर पवनदीप को फुर्सत मिलती है तभी गाना सुनते तो डिस्कस करते कैसा लगा, तो फिर हम लोग पवनदीप का एक व्यू रखते हैं कि पवनदीप को भी एज अ सिंगर कैसा लग रहा है, म्यूजिकली अच्छा है कि नहीं, फिर उसके बाद फुर्सत मिलती है तो कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनाते रहता हूँ मैं कि अलग तरीके से हर गाना अलग अलग तरीके से शूट किया जाए, अलग अलग तरीके का म्यूज़िक दिया जाए, जैसे कि ये म्यूज़िक आपने 90s में सुना होगा, जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सब जोन का ये गाना है फुर्सत, और मुझे मेरा फेवरेट है एक्चुअली है मुझे फुर्सत ही नहीं तुमसे, सो ये है मेरा जब मुझे फुर्सत मिलती है। एक्चुअली ये देखो फुर्सत मिल ही नहीं रही है, ये बोलते जा रहे हैं कि फुर्सत मिलती है तो ये फुर्सत और फुर्सत हाँ मैं यही चाहता हूँ कि सबको फुर्सत मिलेंगी तो प्लीज़ पवनदीप को सुनिए और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना सब दूर हो जाएंगी, ये एक हीलिंग इट इज वेरी हीलिंग एक्चुअली वॉइस हीलिंग वॉइस, तो ये हम लोग को ऊपर वाले ने एक गिफ्ट दिया है जिसका नाम है आइडल पवनदीप, और तो ये मैं वेरी अंडररेटेड, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, पवनदीप एक बहुत अच्छा इंसान है, जितनी अच्छी आवाज़ है उससे अच्छा वो इंसान है, तो आप समझ जाइए कि कैसा होगा ये करके। डाउन टू अर्थ रहते हो, तो एग्जैक्टली क्या चलता है दिल में आपके जो इतना शांत और इतना सिंपल एंड सोबर लाइफ आप रख रहे हो, और बातचीत में भी बहुत सोबर है यार, कभी मस्ती वस्ती करता है कि नहीं करता? ये नहीं मस्ती करता है ना, मतलब ये पता ही नहीं है कि अभी जैसे सेलिब्रिटी बन जाते हैं कहते हैं, तो उसके बाद करना क्या है, मतलब एटीट्यूड कैसे दिखाना है आपको बता दो। मतलब मैं तो वैसे ही रह रहा हूँ जैसे गाँव से आए थे, शांत, मतलब नॉर्मल आदमी ऐसे ही रहता है ना, तो मेरे को वैसे ही ठीक लगता है। अब किसी से कुछ बोल दूंगा ऐसे ऊंचे आवाज में तो फिर मेरे को खुद ही बुरा लग जाएगा कि भाई यार ये तो मैंने गलत बोल दिया किसी से इस तरीके का, तो इसलिए चाहता हूँ कि जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। अच्छा, फिर भी पहली बार कब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन आइडल की मैं बात करती हूँ? हाँ, अभी हम शोज़ के लिए गए थे बाहर, तो वहाँ उसके पहले नहीं रियलाइज़ हुआ था? नहीं रियलाइज़ हुआ था, मतलब रियलाइज़ तो ऐसा है कि इतना प्यार मिल रहा है करके कभी कभी यकीन भी नहीं होता है, कि अभी लॉकडाउन में सोच रहे थे क्या करेंगे और अचानक से लाइफ बदल गई पूरी रातों रात, ऐसा ही हुआ। और एक हमारे मैं ये कहता हूँ कि हमारा म्यूज़िक का जो लाइफ है हम बचपन से कर रहे हैं, एक ना ट्रम्प की तरह है, कभी भी लग सकता है, मतलब ऐसा कि हाँ कि कभी भी हो सकता है कुछ भी। लॉकडाउन में मम्मी कह रही थी घर पर बैठ के कि क्या करेगा तू, अभी क्या कर रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, तो मैंने स्टूडियो वगैरह बनाया घर पर, तो मैं गाने वाने कर रहा था पहाड़ी, अपने गाने में 200-300 गाने बनाए पहाड़ी वहाँ पे बैठ के लॉकडाउन में, तो उसके बाद ऑडिशन आया तो मैंने ऑडिशन दे दिया और मैं सिलेक्ट हो गया, तो फिर मैं आ गया इसमें, तो उस टाइम पे भी नहीं आ रहा था मैं, 2-3 बार तो मैंने मना किया कि नहीं जाता हूँ सोचा, फिर एक बार कि जाके देख लेना चाहिए क्या है, वैसे भी लॉकडाउन वगैरह है सब, म्यूज़िक करेंगे अच्छी साउंड में गाएंगे बॉम्बे में अगर सिलेक्ट होते हैं तो मैंने कहा अच्छा ही है, सीखने को मिलेगा कुछ वहाँ पर, इतने सारे गुणी लोग हैं इंडस्ट्री के बीच में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ये सब सोच के आया है और अच्छा ही हो रहा है मैं। श्योर।
चित्रा मुझे आप बताओ, आपने लॉकडाउन में क्या किया और कैसे ये फुर्सत आपके सामने, हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन टू यू फुर्सत? अच्छा, एक्चुअली लॉकडाउन में अगर आप पूछेंगे कि मैंने क्या किया, तो लॉकडाउन में जैसे मैंने बताया कि मुझे भी गाने का बहुत शौक है, बट मैंने गाना नहीं गाया, मैंने गाना लिखा, उसको कंपोज कराया, उसको फ़ोन पे ही मुंबई से मतलब लिरिसिस्ट से उसके लिरिक्स क्लियर करवाए कैसे होता है, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर, कि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है कि गाना बनता कैसे है, बट मुझे पता चला कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है. मैंने फ़ोन पे ही उसकी कंपोजिंग करी. वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है. Would you like to share? Yes, yes. आपका गाना तैयार है. Next जब भी आपका मूड होता है, तैयार है. ये तो है. मैंने देखा इनका पैट्रियोटिक गाना. उस गाने का नाम है केसरिया. मैंने राज को भेजा भी था और उनसे भी मैंने डिस्कस किया था कि राज, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू समथिंग. तो उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छी कोशिश कर रही हो, करो. ही ऑल्सो सपोर्ट मी इन दैट वे कि अच्छा है चित्रा, अच्छा लिखा है. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब वो गाना मैंने 4 पेज का लिखा था. तो इतना बड़ा तो गाना होता नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक ए स्टोरी. सो दैट इन दैट सॉन्ग मैंने स्टोरी दिखाई है कि लॉकडाउन में जो डॉक्टर्स की लाइफ रही है और पुलिस की लाइफ रही है, उन्होंने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ में. एक डॉक्टर लड़की है और एक IPS ऑफिसर लड़का है. उसकी लाइफ में वो शादी होने वाली रहती है, बट वो भूल जाते हैं क्योंकि हमने देखा सभी की शादी वगैरह जो भी काम थे सब पोस्टपोन हो गए, स्पेशली शादियाँ. उस पर बहुत असर हुआ फैमिली पर. किसी लोगों ने हमने देखा कि फ़ोन पर कुछ मतलब इन्विटेशन भेज के मंदिर में जाके बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि आपका घर से निकलना भी बहुत मुश्किल था. तो मैंने उस स्टोरी को डीप वे में दिखाया है कि किस तरह से उस दुख को देखते हुए भी नहीं, वो कुछ और काम कर रहे, कैसे वो नेशन को ड्यूटी सर्व कर रहे हैं. तो एक डॉक्टर और पुलिस की मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से स्टोरी दिखाई. वहाँ के हमारे इंदौर के लोगों ने उसे काफ़ी सराहना किया और थैंक्स टू इंदौरियंस कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट किया उस गाने को लेकर. 3 दिन में मैंने उसको शूट किया, सॉरी 2 दिन में मैंने उसे शूट किया. 1 दिन मैंने रैकी की थी पूरी, बिजासन माता मंदिर एंड एवरीवेयर, लाइक खजराना मंदिर, खजराना मंदिर सब आस पास में किया. तो फुर्सत में मैं ये करती हूँ, कला से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, या न्यू के लोग कुकिंग करना, आई मीन अपने आप में हर एक काम करना, उसको खूबसूरती से कर दिखाना, वो एक कला बन जाती है. तो मुझे इनको क्या खिलाओगे? इन्हें हम गजक खिलाएंगे, ठंड का मौसम चल रहा है, इंदौर आएंगे तो गजक खिलाएंगे, सराफा ले जाएंगे, मालपुआ खिलाएंगे, और जोशी जी के दही बड़े खिलाएंगे, गराड़ू खिलाएंगे. अभी तो ठंड में काफ़ी सारा कुछ है. पवन प्लीज़ आप आइए, आपके फैंस भी बहुत सारे इंदौर में, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. और हम आपको, आप भी आइए राज, हम लोग जरूर आएंगे. तो ये फुर्सत के क्षण होते हैं, कुछ जो कलाकार करना चाहता है वो कर लेता है. अच्छा, इनको इन्होंने देखिए, इनकी मम्मी ने इनसे पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कैसे 200-300 मेहनत से वो गाने लॉकडाउन के टाइम में बना लिए बैठ के. हाँ, टाइम वेस्ट नहीं किया. और ये इनके फुर्सत के क्षण थे जो इन्होंने फुर्सत में उसे बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत बना दिया. हाँ, यूज़ किया. तो वो अपने आप में कलाकार की ना, ये बहुत ही एक अंदर की ना खासियत है, ये उसकी पहचान है कि फुर्सत के क्षणों में भी एक कलाकार बैठता नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है. तो जिस तरह से इन्होंने भी कर दिखाया, फिर ये आ गए, इन्होंने कहा देखते हैं कुछ होता है, और आज ये यहाँ हैं, इन्हें सब लोग जानते हैं. और जैसे इन्होंने कहा, आपने इनसे एक बात कही अभी कि आपको कैसा लगता है, प्यार मिलता है लोगों का, तो इन्होंने कहा कि अभी मैं US गया था तो मुझे बहुत प्यार मिला, तो आपने कहा कि इंडिया में नहीं मिला. तो मुझे ऐसा लगता है कि पवन को ना पूरा इंडिया घर लगता है. Exactly. है ना, तभी इनके मुंह से जो निकला ना अचानक, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. इनके मुंह से अचानक से US गया था तो मुझे बहुत प्यार मिला, क्योंकि इन्हें यहाँ पे इतना प्यार मिल रहा है. हम जब अपने घर में होते हैं हम वो इतना कंफर्टेबल फील करते हैं. तो आई थिंक इंडिया में पवन ने बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील किया होगा, इनको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, रातों रात स्टारडम, और काफ़ी लोग पहचानते हैं इनकी वॉइस को, इतना पसंद करते हैं. अच्छा, आपका क्या इंप्रेशन था, फर्स्ट इंप्रेशन? मेरा इंप्रेशन मैंने पहले भी बताया है पहले के इंटरव्यूज़ में, बहुत ही सिंपल, मतलब मैंने बोला ये पवन है, ऐसा था. आई मीन ही सो सिंपल, आई मीन लाइक नो एटीट्यूड. लाइक वो एक रहता है ना कि मैं तो इंडियन आइडल विनर हूँ, मेरे में तो एटीट्यूड है, वो कुछ नहीं, बहुत ही साधारण है, ये बहुत ही साधारण इनकी खासियत है, ये मेरा इंप्रेशन था. एंड मैंने राज को जैसे ही टर्न हुए, ये ना भागते रहते हैं. एक तो इनकी मतलब ऐसा कुछ माइंड नहीं करिएगा, बट इनकी जो हाइट है ना वो बहुत ही सूट करती है इनके काम के तरीके पर, फास्ट है बहुत ही है. क्योंकि ना इनकी जो हाइट है उसके साथ में इधर ऐसे ऐसे मतलब कहीं ना कहीं जाते हैं, और चल विचल प्रवृत्ति इंदौर में इसको बोलते हैं. हाँ जी वही. और है ना साथ ही साथ पता है चलते फिरते जो आवाज़ है वो हमें आती रहती है, अच्छा अभी पवन इधर से गए हैं,
अच्छा इधर से गए, क्योंकि वो गाना चलता रहता है कुछ अंदर, नीचे भी सुर में ऊपर भी सुर में, इतना सुंदर लगता है ना। तो पवनदीप विद ऑडियो इफेक्ट ही इज अवेलेबल इन द सोसाइटी और द प्लेस। आपको क्या इंप्रेशन था इन्हें देखकर? बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए हीरोइन ही हुए। तो रास्ता में मेरी बात हुई कि मैंने कहा सर ये तो हीरोइन है, तो बोले हाँ हाँ हीरोइन ही है वो, मैंने असली की हीरोइन है बोले। मैंने कहा हाँ हाँ। तो उसके बाद हम लोग मिले, मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। आते ही हम लोग ने रिहर्सल स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल उन्होंने फील कराया, तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद। कितना एकदम सधा हुआ डायलॉग देते हैं ना, बिल्कुल इतना क्लासी, मतलब आप उसको कुछ छेड़ भी नहीं सकते हो, ये इतना ही पॉलिश्ड है क्या? नहीं क्या ही बोलूँ अभी। नहीं, पवनदीप की मैं एक बात, सबको पता नहीं है लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि पवनदीप कभी नेगेटिव बात को इनकरेज नहीं करते हैं।